हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मसाला ब्राउन बिरयानी। तो ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो गोश्त ले लिया है और इसको अच्छे से धोकर पानी में भिगो दिया है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड हो वो निकल जाए। तो मैंने इसको भिगो कर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ ली है, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 लहसुन और 4-5 मैंने यहाँ तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इनको रफली इस टाइप से चॉप कर लिया है। 2 चम्मच मैंने नमक लिया है। तो अब हम इसकी यखनी बनाएंगे, तो यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है गोश्त ऐड करूँगी। तो गोश्त जो मैंने लेकर रखा था उसका मैंने अच्छे से एक बार और वॉश कर लिया है, पानी उसका निकाल दिया है और अब मैं इसके अंदर गोश्त डालूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले हमें इसमें गोश्त ट्रांसफ़र कर लेना है और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर जो हमने प्याज ली थी इसको डालना है, तेज़पत्ता डालना है और लहसुन हमें इसमें डालना है, नमक डालना है। ये मैंने नमक इसमें डाल दिया। ये देखिए मैंने कुकर में जो सामान था वो डाल दिया है। अब मैं इसे साइड कर दूंगी और जो मैंने एक पोटली बनानी है सौंफ और धनिए की, तो इसके अंदर मैंने कपड़ा ले लिया है, एक नया कपड़ा मैंने लिया है, इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। और क्या कहते हैं, इसके अंदर मुझे ये डालना है धनिया साबुत और जो मैंने सौंफ ली है इसको मुझे इसके अंदर डालना है। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर पोटली में रख दिए हैं। पोटली में ही कर डालना चाहिए सौंफ और धनिया, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो है वो अटक सकता है, तो इसलिए हम इस टाइप से इसकी पोटली बनाएंगे। और मैंने इसको इस टाइप से बांध देना है ताकि ये खुले नहीं। तो ये देखिए, ये देखिए मैंने इस टाइप से बांध दिया है और मुझे थोड़ी इसको लूज ही बांधनी है, आप लोग भी लूज ही बांधें ताकि इसका जो जूस है वो अच्छे से निकल जाए। और इसको मैं कुकर के अंदर डालूंगी इस टाइप से। अब मुझे इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये देखिए मैंने कुकर गैस पर रख दिया है, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो मुझे इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालना है, ज़्यादा इसमें पानी मत डालिएगा, अगर हमारा पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो कुकर में से बाहर निकलेगा, तो इसलिए हमें पानी जो है इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। और अब मैं इसकी लिड लगा दूंगी और हमें इसकी यखनी तैयार कर लेनी है। तो हमें इसे 10 से 15 मिनट तक गोश्त गलाना है, तो 1 सीटी तक हम जो है इसे फुल गैस पर 1 सीटी तक रखेंगे। फिर उसके बाद हमें गैस स्लो कर देनी है और 10 मिनट तक हमें जो है गोश्त स्लो गैस पर रखना है। फिर हमें खोल कर गोश्त चेक करना है ताकि हमारा गोश्त गला या नहीं गला। तो मैं अब इसको गला लेती हूँ। ये देखिए ये हमने 15 मिनट गोश्त गला लिया है, तो अब हम आपको खोल कर दिखाते हैं कुकर के कैसे गोश्त अच्छे से गल गया है। तो मैं इसका प्रेशर निकालती हूँ। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से जो है गोश्त गल चुका है। ये देखिए, तो अब हम इसे अलग कर देते हैं और अब हमें जो है बिरयानी के भगार की तैयारी करनी है। तो अब हम बिरयानी का भगार कर लेते हैं। ये देखिए भगार के लिए जो मैंने सामान लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, बासमती बिरयानी वाले चावल हैं, इससे बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। तो आप वैसे तो कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बासमती बिरयानी का चावल यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनेगी। और यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाला लिया है, ये मैंने 2 इलायची ली हैं, काली मिर्च ली हैं, लौंग ली हैं 1 चम्मच और ये मैंने ज़ीरा ले लिया है 1.5 चम्मच। और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जो है मैंने दही लिया है, 10 से 15 हरी मिर्च ली हैं, 5 चम्मच मैंने नमक लिया है, क्योंकि 1 किलो चावल है तो उसमें इतना ही नमक जाएगा और अब ऐसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1 किलो मैंने प्याज लिए इसको कट कर लिया है, 1/2 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इनको पीस कर मैंने इस टाइप से रखा है, इस पीस कर ही टमाटर पड़ेंगे बघार में। तो चलिए आइए हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है, 250 ग्राम तेल है, वैसे अगर आप चम्मच से नापेंगे तो ये 6 चम्मच है बड़े वाले। और अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी, तो ये मुझे इसमें फ्राई करनी है प्याज। इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और हमें इसे खूब डार्क ब्राउन फ्राई करना है,
उसके बाद हमें इसे बाहर निकाल लेना है तेल से। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए इसी टाइप से हमें इसको जो है फ्राई करते रहना है और चलाते रहना है ताकि सारी जो प्याज है वो एक सी फ्राई हो और कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम हो जाती है इस टाइप से ना हो। और हमें इसे खूब डार्क ब्राउन करना है, एकदम ब्लैक कलर की प्याज को कर लेना है, तभी उसका कलर डार्क ब्राउन आएगा बिरयानी का। ये देखिए प्याज जो है वो थोड़ी थोड़ी पिंक पिंक सी हो गई है, लेकिन अभी हमें इसको 10 मिनट तक और फ्राई करना है। हमें अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है और चलाते रहना है। ये देखिए मैं इसी टाइप से चला रही हूँ। ये देखिए इतनी डार्क हमें प्याज करनी है, ये हमने डार्क कर ली है इस टाइप से। तो अब हमें इसको निकाल लेना है तेल में से। तो मैं इसको सब निकाल लेती हूँ छन्ने में इस टाइप से, ताकि इसका सारा तेल जो है वो छन जाए इस टाइप से। ये देखिए हमने जो है प्याज जो हमने प्याज की थी तो वो हमने निकाल ली थी, अब ये जो हैगी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसको क्रश कर लेंगे। तो हमें इस टाइप से हाथ से इसको अच्छे से तोड़ लेना है और ये खूब कुरकुरी हो जाती है तो ये अच्छे से क्रश हो जाएगी। ठंडे करने के बाद आप इसको हाथ से इस टाइप से क्रश कर लें, इससे इसका कलर जो होगा बिरयानी का वो इतना अच्छा आएगा, एकदम ब्राउन कलर आएगा। और लेकिन आप सोच रहे होंगे इतनी डार्क प्याज कर ली तो जली भी आएगी बिरयानी में, तो ऐसा कुछ नहीं है, जली भी बिल्कुल भी नहीं आएगी स्मेल, और कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा और बहुत स्पाइसी बिरयानी बनकर तैयार होएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तेल में से मैंने प्याज निकाल ली थी, ये वही तेल है और प्याज को बस मैंने निकाल लिया है, थोड़ी थोड़ा इसमें रह भी गया है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी जो मैंने आपको बताया था निकाल कर रखा था। तो ये मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और अब हमें इसके अंदर गोश्त ऐड करना है जिसकी हमने यखनी बना कर रखी थी। तो मैंने इसकी जो बोटियाँ थी वो निकाल ली हैं अलग छान कर, और इसका यखनी का जो पानी है वो मैंने अलग रख दिया है, वो मुझे बाद में डालना है। तो अब ये इसके साथ हमें गोश्त के साथ गरम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए अब मुझे इसके अंदर गोश्त के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, तो मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है क्योंकि गोश्त में जो स्मेल होती है वो लहसुन अदरक से ही अच्छे से जाती है। तो लहसुन अदरक के साथ हमें इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है मतलब, और इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि इसमें जो स्मेल है वो चली जाए। ये देखिए मैंने जो है लहसुन अदरक के साथ 5 मिनट तक गोश्त को भून लिया है। और अब जो ये मैंने प्याज क्रश कर रखा था तो ये खूब अच्छे से आपको क्रश कर लेना है, बिल्कुल साबुत नहीं रहे। और अब इसको हमें गोश्त में डालना है, तो अब हम इसे गोश्त में डाल देंगे और प्याज को अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक के साथ पहले हमने इसे भूना था, अब हमने प्याज इसमें ऐड की है फ्राई हुई भी क्रश करके जो हमने रखी थी, इसको हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसके अंदर हमने जो टमाटर पीस के रखे थे 1/2 किलो, तो इसको हमें इसके अंदर ऐड कर देना है टमाटर को। नमक ऐड करना है, लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, और जो मैंने गरम मसाला लिया था वो ऐड करना है। गरम मसाले से बहुत स्पाइसी बनती है बिरयानी, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है, कम से कम 10-15 मिनट तक आप इसे अच्छे से भूनें। और ये देखिए अब हमने जो हरी मिर्च कट करके रखी थी इनको भी हमें इसमें डालना है, और दही जो हमने लिया था दही को भी हमें इसके अंदर ही डालना है, और अच्छे से इन सारे मसालों को हमें भून लेना है, और इससे जो तेल जो है वो सरफेस पर आ जाएगा और इसका जो है कोरमे की तरह ये सब तैयार हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए अच्छे से भून रही है, लेकिन अभी पूरी भून नहीं पाई है,
कोरमा जो है बिरयानी का, तो ये देखिए ये आपको लग रहा होगा बहुत डार्क हो गया है, एकदम जला जला सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और ब्राउन इसका कलर आएगा। तो इसको हमें अच्छे से भून लेना है और इसका जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए ताकि सारे मसालों की चली जाए, और उसके बाद हमें इसके अंदर चावल डालने होंगे। तो लेकिन अभी ये अच्छे से भुना नहीं है तो हमें भून लेना है बराबर। आप इसको इस टाइप से चलाते रहें ताकि कोरमा नीचे से लगे नहीं। मसाले हमने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं, बस अब हमें इसके अंदर खाली चावल ऐड करना रह गया है। ये देखिए क्या कहते हैं, हमने इसमें जो है इसको अच्छे से भून लिया है और इसके अंदर जो है तेल आ गया है अच्छे से। अब हमें इसके अंदर पानी डालना है, पहले हमें यखनी का पानी डालना है। तो हमने 6 गिलास चावल लिए थे तो हमें 8 गिलास इसमें पानी डालना है, क्योंकि हमने चावल को भी भिगो कर रखा था 1 घंटे तक, तो इसकी वजह से वो थोड़ा कम पानी लेंगे। तो हमने इसमें 8 गिलास पानी डालना है, पहले यखनी का आप देख लें, उसके बाद अगर कम पड़े तो आप जो है सादा पानी डाल सकते हैं। तो 4 गिलास यखनी का पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया है, अब 4 गिलास मुझे इसमें सादा पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें पूरा पानी ऐड करना है तो यखनी का थोड़ा कम था तो हमें सादा पानी 4 गिलास ऐड कर देना है। अब हमें इसके अंदर अच्छे से खोल जब आ जाएगी, अच्छे से बॉईल हो जाएगा, तब इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो हम इसको पहले अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें खोल आ गई है, अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। तो मैंने चावल जो है 1 घंटे तक भिगो दिए थे, और भिगोने के बाद मैं इसमें डालूँगी। आप भी भिगोइएगा चावल, जिससे अच्छे से बड़ा बड़ा चावल बनता है। तो देखिए इस टाइप से मैं इसमें सारे चावल ऐड कर दिए हैं मैंने, और मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ। अच्छे से चला दिया है मैंने इसे, अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी। हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से चला दिया है, अब मैं इसमें 1 बाउल अचार ऐड करूंगी। आप कोई सा भी अचार ले सकते हैं, मिक्स अचार भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आम का अचार लिया है, अचार को जो है वो लास्ट में ही इसमें डालना है, पहले नहीं डालना वरना वो ज़्यादा गल जाएगा। तो मैं इसमें 1 बाउल अचार ऐड कर दूंगी और इसको मुझे अच्छे से मिक्स कर देना है अचार को, और उसके बाद मैं इसको हम जो है हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे चावल, वरना जो है ये वाले बासमती चावल हैं तो ये बैठ जाते हैं, मतलब ज़्यादा पक जाते हैं तो टूट जाते हैं। तो आप इसको हाई फ्लेम पर ही बनाएं, और जब इसका पानी खुश्क हो जाए तब इसकी फ्लेम आप स्लो करेंगे, फिर इसको दम में लगाएंगे दम पे। तो इसी टाइप से हमें इसे पकाना है, और हमें इसको ढक कर पकाना है। तो मैंने इसे ढक दिया है, ये देखिए जो बिरयानी है वो अब दम पर हमें लगानी है। तो ये देखिए इसका सारा जो पानी है वो ऑब्ज़र्व हो गया है चावलों के साथ, तो अब हमें इसको दम में लगा देना है। तब ये बिल्कुल चावल जो है बिल्कुल एकदम खिले खिले बहुत अच्छे बनेंगे। तो 10 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल स्लो गैस पर रखना है, और ये इतने टाइम में अच्छे से दम में आ जाएंगे। फिर हम आपको दिखाएँगे ये कितने अच्छे से दम में आए हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारी 10 मिनट में बिरयानी जो है वो अच्छे से दम में आ गई है। अब मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी, और इसके जो चावल हैं वो बिल्कुल अलग अलग हुए हैं, और कलर देखिए आप इसका कितना ज़बरदस्त आया है, एकदम ब्राउन, और ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और आप इसको कमेंट बॉक्स में कर बताएँ कि ये कैसी बनी है। और आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए एकदम से मुँह में पानी आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।